सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली इलाके की न्यू कॉलोनी में जिला आपूर्ति अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए एक आवासीय भवन में 100 से अधिक बोरी सस्ते गल्ले की गेहूं की बोरियां बरामद की है। सूचना पर जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर छापेमारी की है। इस दौरान पाई गई गेहूं की बोरियों को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि अभी इन बोरियों की काउंटिंग की जा रही है। यह लगभग 100 बोरियां हैं जिनको जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक गोदाम में कोई सैकड़ों बोरी अनाज मिला है, क्या मामला है, कार्रवाई क्या की जा रही है? शिकायत मिली थी कि न्यू कॉलोनी के एक आवास में सरकारी राशन कालाबाजारी के उद्देश्य से संग्रहित किया गया है। मौके पर आके छापा मारा गया तो मकान के पिछले हिस्से के कमरे में उत्तर प्रदेश सरकार लिखी खाद्य रसद विभाग की स्टेंसिल युक्त बोरियां मिली। बोरियों की संख्या लगभग 100 के आसपास है, अभी गिन के लादा जा रहा है। अस्त व्यस्त हाल में है इसलिए जब तक पूरी लादी ना जाए तब तक एग्जैक्ट फिगर बताना कठिन है और इसमें फर्दर की जाँच की कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, ये कालाबाजारी के लिए रखा हुआ था या गोदाम में नहीं गया और यहाँ चला आया? हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।